Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily cut from several newspaper, PIB and various government sources. So let's start with our first topic, that is Maharashtra withdraw general consent to CBI. The Maharashtra government has withdrawn general consent given to the Central Bureau of Investigation to probe cases in the state. तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने विड्रॉ कर लिया है जनरल कॉन्सेंट जो उसने सीबीआई को दिया था केसेस को प्रोब करने के लिए अपने स्टेट में. द सीबीआई इज गवर्न बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दैट मेक कॉन्सेंट ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन दैट स्टेट. तो जो सीबीआई है उसको गवर्न किया जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि क्या है, कॉन्सेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देता है अगर इन्वेस्टिगेशन करना है उसके स्टेट में. तो कॉन्सेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक केस स्पेसिफिक और दूसरा जनरल. तो केस स्पेसिफिक क्या होता है, जनरली दैट सीबीआई हैज ज्यूरिडिक्शन ओनली ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय. इट कैन इन्वेस्टिगेट ए केस इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अ वायलेंट क्राइम इन ए गिवन स्टेट ओनली अप टिल द स्टेट गवर्नमेंट गिव इट्स कॉन्सेंट. तो केस स्पेसिफिक में ये है कि जो सीबीआई है वो उसका ज्यूरिडिक्शन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वो उसके एम्प्लॉय के ऊपर होता है. वो जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस जिसमें कि इन्वॉल्व कर रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय और वायलेंट क्राइम हो गिवन स्टेट में, उसके लिए उसको स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेंट लेना पड़ेगा. और जनरल कॉन्सेंट क्या होता है, तो ये जो है नॉर्मली दिया जाता है सीबीआई को, सिमलेसली कहीं भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर करप्शन का केस है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का कॉन्सेंट स्टेट से. तो अब व्हाट डज विड्रॉल मीन, जो सीबीआई से कॉन्सेंट ले लिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस विड्रॉल का क्या मतलब होगा. The decision means that CBI will now have to get consent from state government for every case it registers in Maharashtra. इसका मतलब ये है कि CBI को अब हर एक केसेस के लिए consent लेना होगा state government का महाराष्ट्र में. It simply means that CBI officer will lose all his power of a police officer as soon as they enter the state unless the state government has allowed them. इसका सिंपल मतलब ये है कि CBI officer अपना सारा पावर लूज कर देगा पुलिस ऑफिसर का जैसे ही वो स्टेट के अंदर आएगा, जब तक कि अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट अलाउड ना करे. हाउ जनरल कॉन्सेंट बी विद्रॉन, किस तरीके से जनरल कॉन्सेंट को विद्रॉन किया जाता है. तो इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 द स्टेट गवर्नमेंट कैन विद्रॉ द जनरल कॉन्सेंट अकॉर्डेड. तो जो एक्सेस पावर दिया गया है सेक्शन 6 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में, स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकता है जनरल कॉन्सेंट जो उसने दिया है सीबीआई को. अब हम लोग को ये नोट ध्यान रखने की जरूरत है कि सीबीआई के पास अभी भी पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर ओल्ड केस रजिस्टर किया गया हो जब कॉन्सेंट दिया गया था स्टेट के द्वारा. ऑल्सो केसेस जो रजिस्टर है कहीं और किसी और कंट्री पे लेकिन इन्वॉल्व करता है पीपल जो कि उस स्टेट में है, तो बिना कॉन्सेंट के भी सीबीआई उस ज्यूरिडिक्शन में स्टेट का कर सकता है प्रोब. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप. तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था G20 के लीडर्स के द्वारा टोरंटो समिट में 2010 में. ये रिस्पॉन्सिबल है अपडेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए G20 के एंटी करप्शन एक्शन प्लान को. ये रिपोर्ट करते हैं G20 के लीडर को. इट कॉपरेट क्लोजली विथ एंड सपोर्ट द वर्क ऑफ रिलीवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. तो ये जो है कॉपरेट करता है क्लोजली और सपोर्ट करता है जो वर्क है रिलीवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि OECD, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आते हैं. न्यूज में क्यों आया था, तो जो सऊदी अरेबिया है वो होस्ट करने जा रहा है पहला मिनिस्ट्रियल मीटिंग G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का वर्चुअली. यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह वो भी एड्रेस करेंगे पहला मिनिस्ट्रियल मीटिंग G20 का एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप में. तो G20 जो है वो है क्या, तो ये एक एनुअल मीटिंग है लीडर का फ्रॉम द कंट्री विद द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. इट मेंबर अकाउंट फॉर 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP एंड 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन. तो G20 जो है वो एनुअल मीटिंग है लीडर का कंट्रीज के लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. इसके मेंबर जो है वो अकाउंट करते 85% वर्ल्ड के GDP का और 2/3 है पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में. The G20 summit is formally known as the summit on financial market and the world economy. तो जो G20 का summit होता है उसको formally summit of financial market या world economy के नाम से भी जाना जाता है. Formation of G20 बना कैसे था,
Up till the Asian financial crisis in 1997-1998, it was acknowledged that the participation of major emerging market countries is needed on the discussion on international financial system, and G7 finance minister agreed to establish the G20 finance ministers and central bank governor meeting in 1999. तो जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997-1998 में, उस समय ये एक्नॉलेज किया गया कि पार्टिसिपेशन जो है मेजर इमर्जिंग मार्केट कंट्री का जरूरत है, ताकि डिस्कस किया जा सके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को, और इसके लिए जो G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उन्होंने तैयार हुआ कि वो इस्टेब्लिश करेंगे G20 फाइनेंस मिनिस्टर को, और सेंट्रल बैंक गवर्नर का जो मीटिंग हुआ 1999 में. अब G20 के मेंबर कौन कौन है, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन, ये G20 के मेंबर्स है. अब ये आप पिक देख के भी देख समझ सकते हैं कि G7 के मेंबर कौन कौन है, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA. G8 में रशिया एक्स्ट्रा है, और G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की. तो इस पिक्चर के द्वारा भी आप आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं मेंबर्स कंट्री को. नेक्स्ट, NHRC एडवाइजरी ऑन सेक्स वर्कर. तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने अपना एडवाइजरी दिया है सेक्स वर्कर के ऊपर. NHRC रिकॉग्नाइज सेक्स वर्कर एज इनफॉर्मल वर्कर इन देयर एडवाइजरी ऑन ह्यूमन राइट ऑफ वुमेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ COVID-19. तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने रिकॉग्नाइज किया है कि सेक्स वर्कर जो है वो एक इनफॉर्मल वर्कर है अपने एडवाइजरी में ह्यूमन राइट ऑफ वुमेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ COVID-19 के. NHRC का एडवाइजरी क्या है, तो NHRC इज एन एफर्ट टू सिक्योर राइट ऑफ ऑल एक्सक्लूडेड एंड मार्जिनलाइज वुमेन इंक्लूडिंग सेक्स वर्कर एज इनफॉर्मल वर्कर इन देयर एडवाइजरी ऑन वुमेन एट वर्क. तो जो NHRC है उसने अपने एफर्ट में सिक्योर करने के लिए जो राइट है सारे एक्सक्लूडेड और मार्जिनलाइज वुमेन के लिए, जिसमें कि सेक्स वर्कर भी है, उनको इनफॉर्मल वर्कर बोल रहा है अपने एडवाइजरी में वुमेन एट वर्क. The advisory ask official to recognize sex worker as informal worker and register them so they are able to avail the benefit of a worker. जो advisory है उसने बोला official को कि वो recognize करे sex worker को informal worker के रूप में और register करे उनको, ताकि उनको भी benefit जो है worker का मिल सके. The minister have been asked to issue temporary documents so that sex worker like all other informal worker can access all welfare measures and health services. तो मिनिस्टर है उसने बोला है कि इश्यू किया जाए टेम्पोररी डॉक्यूमेंट, ताकि जो सेक्स वर्कर है उनको भी अदर इनफॉर्मल वर्कर के जैसा सारे वेलफेयर मेजर्स और हेल्थ सर्विसेज मिले. द एडवाइजरी इंक्लूडेड सेक्स वर्कर अमंग ग्रुप्स दैट दे वर कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ वल्नरेबल एंड मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देयर बाय कंसीडर देम एज सिटीजन हु आर डिजर्विंग ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट. तो जो एडवाइजरी है वो इंक्लूड करता है सेक्स वर्कर को कि वो वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं सोसाइटी का, इसलिए उनको जरूरत है प्रोटेक्शन का, ह्यूमन राइट का, सिटीजन जो कि डिजर्व करते हैं. तो डू दिस NHRC हैज सॉट एक्सपर्ट एडवाइस एंड बोथ द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैज स्टूड अप बाय द प्रोटेक्टिंग ऑफ ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी ऑफ सेक्स वर्कर. और इसको करने के लिए NHRC ने एक्सपर्ट एडवाइस लिया था, जिसमें गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दोनों ही तैयार हो गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट और डिग्निटी ऑफ सेक्स वर्कर को ध्यान में रख के देने को. फॉर मैनी इट इज अ वेलकम मूव एंड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन अचीविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर सेक्स वर्कर. अब बहुत सारे के लिए एक वेलकम मूव होगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है अचीव करने में कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है सेक्स वर्कर का. अब हम जानेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 12 अक्टूबर 1993 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993. तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है, जिसको कि कंस्टिट्यूट किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस जो था उसके अंतर्गत. इट वाज गिवन ए स्टैट्यूटरी बेसिस बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993. इसको स्टैट्यूटरी बेसिस प्रोवाइड किया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर.
This act define human right as a right relating to life, liberty, equality and dignity of individual guaranteed by the constitution or embodied in the international convention and enforceable by court in India. ये जो act है वो define करता है human right को कि वो right है related to life, liberty, equality, dignity individual का जो कि guarantee किया गया है constitution के द्वारा व embodied है international convention में जो कि enforceable है court के द्वारा India पे. अब NHRC के हम composition को जानेंगे तो NHRC consists of chairman and four member excluding the ex officio member. तो NHRC में chairman है साथ साथ four member है जिसमें ex officio member अलग से है. A chairperson who has been a chief justice of India or a judge of Supreme Court. जो chairperson होता है वो chief justice of India और judge होंगे Supreme Court के. One member who is or has been a judge of Supreme Court of India. और one member who is or has been the chief justice of High Court. तो एक member जो होंगे वो judge होंगे Supreme Court of India के व member जो होंगे chief justice होंगे High Court के. थ्री मेंबर जो होंगे जिसमें से एटलीस्ट वन जो है वुमेन होंगे जिसको कि अपॉइंट किया जाएगा अमंग पर्सन जिसको नॉलेज व प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन राइट. साथ साथ जो चेयर पर्सन होंगे नेशनल कमीशन का वो सर्व करेंगे एक्स ऑफिशियल मेंबर के रूप में. अब NHRC का फंक्शन क्या है. इट प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेगलिजेंस ऑफ सच वायलेशन बाय पब्लिक सर्वेंट. तो ये क्या प्रोएक्टिवली व रिएक्टिवली इंक्वायर करता है जो वायलेशन होगा ह्यूमन राइट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई नेगलिजेंस वायलेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट के द्वारा तो उसको ये इंक्वायर करेगा. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. ये प्रोटेक्ट करने में ह्यूमन राइट का मदद करेगा और रिकमेंड करेगा मेजर्स उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लू डॉट नेटवर्क. तो ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है. तो ब्लू डॉट इज अ US लेड कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान दैट सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर लेड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी इन रिस्पांस टू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो ब्लू डॉट जो है वो US के द्वारा लेड किया हुआ कोलैबोरेशन है ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ जो कि सपोर्ट करता है प्राइवेट सेक्टर लेड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी को जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके रिस्पांस पे. इट वाज फॉर्मली अनाउंस ऑन 4th नवंबर 2019 एट द इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन बैंकॉक थाईलैंड ऑन द साइडलाइन ऑफ 35th एशियन समिट. इसको फॉर्मली अनाउंस किया गया था 4th नवंबर 2019 में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम जो कि बैंकॉक थाईलैंड पे हुआ था 35th एशियन समिट के साइडलाइन पे ही. इट इज लेड बाय US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इसको लेड कौन कर रहा है. तो जो US का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है और जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स और ट्रेड का ऑस्ट्रेलिया में ये तीनों मिलकर कर रहा है. इट इज एक्सपेक्टेड टू सर्व एज ए ग्लोबल इवेल्युएशन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर रोड पोर्ट एंड ब्रिज विद अ फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सर्व करेगा एक ग्लोबल इवेल्युएशन और सर्टिफिकेशन सिस्टम के रूप में रोड के लिए पोर्ट के लिए ब्रिज के लिए जिसका फोकस होगा इंडो पैसिफिक रीजन पे. ये न्यूज में क्यों आया. तो जो ग्रुप ऑफ US सेनेटर थे उसने लिखा है इंडिया को ज्वाइन करने के लिए बोला है ब्लू डॉट नेटवर्क को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्यूबरियल सेलिवरी ग्लैंड. दे आर सेट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड डीप इन द अपर पार्ट ऑफ थ्रोट. तो ट्यूबरियल सेलिवरी ग्लैंड है क्या. तो ये सेट है सेलिवरी ग्लैंड का ही जो कि डीप अपर पार्ट में थ्रोट के होते हैं. इसको डिस्कवर किया गया रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा नेदरलैंड में. द ग्लैंड आर अबाउट 1.5 inches 3.9 सेंटीमीटर इन लेंथ ऑन एवरेज एंड आर लोकेटेड ओवर अ पीस ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड टोरस ट्यूबरियस. ये जो ग्लैंड है वो 1.5 इंचेस व 3.9 सेंटीमीटर का लेंथ पे एवरेज होता है और ये लोकेटेड होता है पीस ऑफ कार्टिलेज पे जिसको कि हम टोरस ट्यूबरियस कहते हैं. द ग्लैंड प्रोबेबली लुब्रिकेट एंड मॉइस्टेन द अपर थ्रोट बिहाइंड द नोज एंड माउथ. ये जो ग्लैंड है वो क्या करता है प्रोबेबली लुब्रिकेट करता है और मॉइस्ट करता है जो अपर थ्रोट है नोज और माउथ के पास में. जो डिस्कवरी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों. क्योंकि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद कर सकता है. अंटिल नाउ देयर वर थ्री नॉन लार्ज सेलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमन. अभी तक क्या था तीन लार्ज सेलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं ह्यूमन में ये पता था. एक अंडर दी टंग, दूसरा अंडर दी जो और तीसरा बैक दी जो बिहाइंड दी चेक. ठीक है. अब ये क्या हो गया नया ग्लैंड के बारे में अभी पता चला. ये आपका पिक्चर में आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट ने किस तरीके से डिस्कवर किया. ये आपका ट्यूबरियल सेलिवरी ग्लैंड है. जो ऑर्गेन है वो सेलिवरी ग्लैंड 1.5 इंचेस का लेंथ है इसका एवरेज. और ये माना जा रहा है कि ये लुब्रिकेट करता है मॉइस्टन करता है अपर थ्रोट को. रिसर्चर्स का कहना है. अब
Life in Miniature Paint Project, next topic. It is a collaborative project between National Museum, New Delhi, Ministry of Culture and Google Art and Culture. तो ये एक collaborative project है National Museum, New Delhi, Ministry of Culture और Google Art and Culture के साथ. Several hundred miniature painting from National Museum, New Delhi can be viewed online on Google Art and Culture by people around the world under the project. तो इस project के अंतर्गत क्या होगा, तो जो several hundred miniature painting है National Museum, New Delhi में, उसको देखा जा सकता है online Google Art and Culture में. जो प्रोजेक्ट है वो यूज करेगा टेक्नोलॉजी जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी और डिजिटाइजेशन हो गया, इसमें हाई डिफिनेशन रोबोटिक कैमरा का यूज किया जाएगा ताकि शोकेस किया जा सके इस स्पेशल वर्क को आर्ट का एक मैजिकल तरीके से. नेक्स्ट टॉपिक, रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी RRDR. द मिनिस्ट्री फॉर आयुष इनॉग्रेटेड द रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी टूडे एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने इनॉग्रेट किया रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी को आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में न्यू दिल्ली पे. ये जो रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी है ये सेकेंड होगा अपने सीरीज ऑफ रिपोजिटरी में जो कि प्रपोज किया गया था नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है और ये डेडिकेटेड है ट्रांस गंगा प्लेन रीजन के लिए. In order to document the diversity in the genetic and chemistry of medicinal plant, 8 RRDR and 1 NRDR have been proposed by Ministry of Ayush. One of them, 3 regional raw drug repository are ready. तो document करने के लिए जो diversity है genetic और chemistry में medicinal plant का 8 RRDR रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी और एक NRDR को प्रपोज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जिसमें से 3 रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी जो है तैयार हो चुका है 8 में, मतलब 5 बचा हुआ है. RRDR फॉर ट्रांस गंगा प्लेन रीजनल कवर करता है 4 स्टेट को. तो पूछा जा सकता है कौन कौन सा स्टेट इसमें अभी फिलहाल ट्रांस गंगा रीजन में कवर किए जा रहे हैं, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब. This RRDR would play a stellar role in collection, documentation and authentication of raw drug collected largely from the respective agroclimatic region. ये जो RRDR है वो एक stellar role play कर रहा है collect करने में, document करने में, authenticate करने में raw drugs को जो कि collect किया गया है largely respective agroclimatic region से. Next topic था हमारा Consumer Price Index Industrial Worker CPIIW. तो जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है उसने रिवाइज कर दिया बेस ईयर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर को फ्रॉम 2001 से 2016 कर दिया है. तो जब बेस ईयर शिफ्ट होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बेस ईयर अब क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का, तो अब इसको शिफ्ट कर दिया गया तो अब 2016 हो जाएगा. दिस वॉज रिवाइज टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न गिविंग द मोर वेटेज टू स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस while reducing the weight of food and beverages. ये जो है revise किया गया है ताकि reflect किया जा सके जो consumption pattern बदल रहा है, more weightage अब दिया जा रहा है spending on health, education, recreation और other miscellaneous expenses को, जबकि reduce किया गया है weight of food और beverages का. uses जो है CPIIW का क्या है, तो ये यूज होता है मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन को रिटेल प्राइस में, और ऑल्सो यूज होता है रेगुलेट करने के लिए डियरनेस अलाउंस को गवर्नमेंट स्टाफ के लिए और इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए. साथ साथ ये रिवाइज करता है मिनिमम वेजेस को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. ये है क्या, तो दे आर मैन मेड प्रोटीन दैट एक्ट लाइक ह्यूमन एंटीबॉडीज इन द इम्यून सिस्टम. ये मैन मेड प्रोटीन है जो कि एक्ट करता है ह्यूमन एंटीबॉडीज के जैसा ही इम्यून सिस्टम पे. These antibodies are co-invented by IAVI and Scripps Research as innovative intervention to address the COVID-19 pandemic. इस antibodies को co-invent किया गया IAVI and Scripps Research के द्वारा innovative intervention में ताकि address किया जा सके COVID-19 pandemic को. न्यूज में ये क्यों आया, तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और इंटरनेशनल एड वैक्सीन इनिशिएटिव है उसने अनाउंस किया एक एग्रीमेंट फार्मास्यूटिकल मेजर मर्क के साथ जो कि डेवलप कर रहा है SARS-CoV-2 ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट. तो रिसर्चर ने फाउंड किया एविडेंस एक लॉस्ट रिवर का जो कि रन कर रहा था सेंट्रल थार डेजर्ट में नियर बीकानेर के पास. The finding represent the oldest directly dated phase of river activity at Nal Quarry in the central Thar Desert. ये जो finding है वो represent करता है oldest directly date को जो कि river activities का कहाँ पे, तो Nal Quarry central Thar Desert पे हो रहा था. The study indicate the stone age population lived in a distinctly different
थार डेजर्ट लैंडस्केप डेट वी इनकाउंटर टूडे। ये स्टडी इंडिकेट करता है कि एक स्टोन एज का पॉपुलेशन रहते हैं डिस्टिंक्टली डिफरेंट थार डेजर्ट लैंडस्केप में। दिस एविडेंस इंडिकेट अ रिवर फ्लोड विथ फेजेस ऑफ एक्टिविटी डेटिंग टू अप्रोक्सीमेट अप टू 172,000 ईयर अगो नियर बाय टू बीकानेर राजस्थान विच इज ओवर 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट मॉडर्न रिवर। ये जो एविडेंस है वो इंडिकेट करता है कि एक रिवर फ्लो करता था फेजेस ऑफ एक्टिविटी में जो कि अप्रोक्सीमेटली 172,000 ईयर अगो की बात है नियर बाय बीकानेर राजस्थान में जो कि 200 किलोमीटर अवे है नियरेस्ट मॉडर्न रिवर से। ये जो फाइंडिंग है वो बताता है कि जो एविडेंस है एक्टिविटी का मॉडर्न रिवर कोर्स का अक्रॉस थार डेजर्ट में वो ड्राइड हुआ है समय के साथ साथ घाघर हाकरा रिवर में। द रिजल्ट इंडिकेट दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर एक्टिविटी एज विलेज ऑफ नाल ऑकर्ड एट अ टाइम व्हेन मॉनसून वाज मच वीकर देन टुडे इन द रीजन। और ये रिजल्ट इंडिकेट करता है जो स्ट्रॉन्गर रिवर एक्टिविटी था विलेज ऑफ नाल पे वो ऑकर कर रहा था उस समय जब मॉनसून काफी वीकर था आज के कंपेरिजन में। रिवर एक्टिविटी कंटिन्यू एट द साइट बिटवीन 95,000 to 78,000 ईयर अगो। और जो रिवर एक्टिविटी था वो कंटिन्यू किया था इस साइट में 95,000 to 78,000 ईयर अगो तक। अब थार डेजर्ट के बारे में हम जाने तो थार डेजर्ट ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये लार्ज एरिड रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और फॉर्म करता है नेचुरल बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो थार डेजर्ट है वो एक्सटेंड करता है अरावली हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट से ग्रेट रन ऑफ कच्छ अलॉन्ग कोस्ट एंड अलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर से वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट तक। अबाउट 85% ऑफ थार डेजर्ट इज लोकेटेड विद इन इंडिया विद द रिमेनिंग 15% इन पाकिस्तान। तो जो 85% है थार डेजर्ट का वो इंडिया में लोकेटेड है जबकि रिमेनिंग 15% पाकिस्तान पे। मोर देन 60% ऑफ द डेजर्ट लाई इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इट एक्सटेंड इन टू द स्टेट ऑफ गुजरात पंजाब एंड हरियाणा। और जो मोर देन 60% है डेजर्ट का इंडिया का वो राजस्थान स्टेट में है और बाकी जो है आपका गुजरात पंजाब और हरियाणा पर। थार डेजर्ट किस किस स्टेट में अगर पूछा जाए तो राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा। विद इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस द थार कंटिन्यू एज द कोलिस्तान डेजर्ट। और जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है उसमें थार कंटिन्यू करता है कोलिस्तान डेजर्ट के नाम से। That's all for today current affairs. आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसको हम ब्रीफली जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा महाराष्ट्र विद्रॉ जनरल कॉन्सेंट टू सीबीआई। तो हमने इसमें देखा सीबीआई को किस एक्ट के जरिए गवर्न किया जाता है, उसके बाद कॉन्सेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, विड्रॉल का क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, कैसे विड्रॉ किया जाता है कॉन्सेंट को, ये सारा हम लोगों ने जाना। देन हमारा सेकेंड टॉपिक था G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। तो इसको इस्टेब्लिश कैसे और कब किया गया, किस लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, न्यूज में क्यों आया, कौन होस्ट कर रहा है इस बार। G20 समिट के बारे में भी हम लोगों ने जाना, इसके फॉर्मेशन के बारे में जाना, इसके मेंबर कौन कौन है ये जाना। देन हमारा टॉपिक आया NHRC एडवाइजरी ऑन सेक्स वर्कर। तो ये NHRC ने क्या एडवाइजरी दिया, उसके बाद हम लोगों ने देखा NHRC के बारे में कि ये होता क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ब्लू डॉट नेटवर्क। तो ब्लू डॉट नेटवर्क है क्या, कब अनाउंस किया गया, न्यूज़ में क्यों आया। उसके बाद हम लोगों ने जाना ट्यूबरियल सेलेवरी ग्लैंड के बारे में, तो ये है क्या, किसने डिस्कवर किया, डिस्कवरी का बेनिफिट क्या है। देन हम लोगों ने पढ़ा लाइफ इन मिनिएचर पेंटिंग। तो किसके बीच में ये प्रोजेक्ट है, क्यों है एंड किस लिए ये प्रोजेक्ट को किया गया है ये देखा। देन हम लोगों ने किया रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी RRDR, तो किसने इनोग्रेट किया, है क्या ये ड्रग रिपोजिटरी। देन हम लोगों ने किया CPI IW, इसमें बेस ईयर को कब से कब शिफ्ट किया गया, क्यों किया गया और CPI IW का क्या यूजेस हम लोगों ने ये जाना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उसके बाद हम लोगों ने किया, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है क्या, किसने इन्वेंट किया और न्यूज़ में क्यों आया। और लास्ट टॉपिक था हमारा लॉस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट। तो कहाँ से एविडेंस मिला है इसका, फाइंडिंग में क्या बताया गया है और थार डेजर्ट के बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे करेंट अफेयर। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड। दीज आर आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन रीच अस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।